हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू विश। अभी रिपब्लिक डे वाले दिन दोस्तों एक ब्राइट लाइट आती है हमारे जीवन में, जहां पर हम यूनिटी और डाइवर्सिटी दोनों ही पीसफुली जो हैं सेलिब्रेट करते हैं। तो इस लाइट वाले दिन बहुत ही अच्छा सूरज चमक रहा है, ऊपर गर्मी लग रही है फर्स्ट क्लास। इस ठंड के माहौल में जो गर्माहट आ रही है बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने सोचा चलो आपसे थोड़ी सी मन की बात कर लें। सबसे पहले तो दोस्तों हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल। और मैं ये बोलूँगा कि रिपब्लिक डे एक्चुअली हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा संविधान लिखा गया था जिसमें हर इंसान को, हर एक सिटीज़न को एक सिमिलर तरीके से ट्रीट किया जाता है। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात दोस्तों ये है कि यहाँ पर हम दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो कि बहुत अलग अलग नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं उनको सेलिब्रेट करते हैं, यूनिटी और डाइवर्सिटी। यूनिटी इसलिए दोस्तों क्योंकि जो इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है, हमारी जो कंट्री इतनी बड़ी है, बहुत से लोग बोलते हैं कि हर स्टेट बेसिकली कंट्री की तरह बिहेव करती है, एंड इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ मेनी कंट्रीज इटसेल्फ, तो ऐसा बोला जाता है, और पीसफुली हम लोग रहते आए हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ये लग रहा है कि सोशल मीडिया के आने से कहीं ना कहीं ये जो पीस है वो थोड़ा बहुत जो है भंग होता जा रहा है। वो भंग इसलिए हो रहा है कि लोग बहुत हद तक अपना जो दिमाग है और जो दिल है उसको एक साथ इस्तेमाल नहीं करते हैं, या तो वो बहुत पैशनेट हो जाते हैं जो कि हमारी फीलिंग्स को जो है गवर्न करता है, और फिर हम बहुत सी बार ऐसा करते हैं कि माइंड का इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा मैं बोलूँगा कि रैशनल होता है, बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह काम करने लगता है। बट इसके जो दोनों का कॉम्बिनेशन होता है वो हमें कॉन्टेम्पलेट करने की शक्ति देता है। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों के लिए रिव्यूज़ बनाता हूँ, तो मैंने देखा कि आजकल का जो यूथ है वो किस तरीके से बिहेव करता है सोशल मीडिया पे, तो मेरे को बहुत गाली पड़ी है दोस्तों। पहले तो मैंने 3 मूवीज़ ऐसी के ऊपर रिव्यू करा जिसके ऊपर काफ़ी सारे फैंस थे, जिनको लेके उनके स्टार्स के फ़ैन की मूवी मैंने गलत बोल दी तो लोगों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँची। तो पहली थी कुली नंबर 1 वरुण धवन वाली, तो पहले तो लोग कह रहे थे कि क्योंकि ये कट कॉपी पेस्ट है गोविंदा वाली तो हम लोग तो इसको देखेंगे नहीं, रीमेक को देखेंगे नहीं, पर गोविंदा के जो फैंस हैं उन्होंने इसको कम्प्लीटली बायकॉट कर दिया। लेकिन वरुण धवन के फैंस ने जगह आके रिव्यू देखा तो उन्होंने दे दबा दब गालियाँ निकालनी शुरू कर दी, नेगेटिव रिमार्क डालने शुरू कर दिए, वरुण धवन की जो मूवी है वो इतनी अच्छी है और आपने ऐसे कैसे बोल दिया कि वो बहुत बेकार है। फिर दोस्तों मैंने एक बनाई रिव्यू जिसका नाम था द पावर। अब इसके अंदर थे विद्युत जामवाल। अब क्योंकि हमारे कंट्री में वेव चली कि जितने भी आउटसाइडर्स हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं और जो नेपो किड्स होते हैं वो बेकार होते हैं, तो जो विद्युत जामवाल है वो बहुत अच्छा है, मैं भी मानता हूँ कि बहुत अच्छा है, मुझे उसकी मूवीज़ देखनी बहुत अच्छी लगती है। और उसकी बड़ी डिस्टिंक्ट पोजिशनिंग है कि वो जिस तरीके की फाइट्स या फिर जिस तरीके के एजाइल बिहेवियर से अपने एक्शंस या अपने स्टंट्स कर पाते हैं कंट्री में, मेरे ख्याल से सिर्फ टाइगर श्रॉफ थोड़ा बहुत उसके आसपास आता है, बाकी कोई नहीं आता। बट जब हम मूवी रिव्यू करते हैं तो मूवी रिव्यू में से हम एक्टर को तो नहीं रिव्यू कर रहे हैं, हम रिव्यू कर रहे हैं कि डायरेक्शन कैसी थी, स्टोरी कैसी थी, उसने एक्टिंग कैसे करी, तो उसके हिसाब से जो रिव्यू था वो इतना अच्छा नहीं था, नहीं निकली मूवी, और सब जो क्रिटिकल जो रिव्यूज़ थोड़े बहुत जो कंट्री में जो ठीक ठाक करते हैं उन्होंने भी नेगेटिव दिया, बट लोगों ने दे दबा दब नेगेटिव डाल दिया। तो वही दिमाग का एक पोर्शन उन्होंने इस्तेमाल करा सेंटिमेंट्स का, और जो प्रैक्टिकली जो काम करना था, दिमाग को कॉन्टम्पलेट करना था, दिल और दिमाग दोनों को यूज़ करना था, वो उन्होंने किया नहीं। बहरहाल अभी रिसेंट मुद्दा ये हुआ कि कल एक बैंग बैंग करके एक सड़ी सी सीरीज आई। वो तो सड़ी सी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैं किसी को डीमीन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बट जब एक डायरेक्टर साहब पैसे बर्बाद करते हैं प्रोड्यूसर के, और प्रोड्यूसर जो है ये सोचता है कि मैं किसी भी तरीके से बेवकूफ़ बना सकता हूँ जनता को, वो मतलब ठीक बात नहीं है। इतनी बेवकूफ़ों वाली आप मूवी बना रहे हो, आप बेसिकली चांस पर डांस कर रहे हो कि एक फैजू नाम के इंसान को ले लो, और वो जो फैजू भाई साहब हैं वो क्योंकि पॉपुलर हो गए हैं टिकटॉक के ऊपर, तो उसकी थोड़ी सी जो फैन फॉलोइंग की वजह से हमें कुछ ओपनिंग शोपनिंग सी मिल जाएगी। और वो आप देखोगे सीरीज़ तो आपको पता चलेगा कि वो कई मायनों में गलत है, लेकिन दे दबा दब फिर से मेरे को बुरे बुरे कमेंट्स और नेगेटिव रिमार्क्स आने शुरू हो गए। अब मेरी दोस्तों आदत ये है कि मैं तो किसी के पापा से भी नहीं डरता हूँ, तो मैंने तो पहले तो बहुत सारे कमेंट्स को उसी तरीके के लिहाज में रिप्लाई करना शुरू करा। मैं गाली गलौज नहीं करता हूँ, तो गाली गलौज तो नहीं, बट उनको जितनी मैं समझ दे सकता था देने की कोशिश करी। तो एक भाई साहब आए मेरे कमेंट में डालने के लिए और उन्होंने भी मेरे को गाली निकाली और अपना कमेंट जो है वो डिलीट कर दिया बाद में। तो मैंने उनसे पूछा क्यों डिलीट कर दिया, तो उन्होंने बोला मैं आपको ना सिर्फ एक लेसन दे रहा था सर, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, कि ऐसे डीमीन करने वाले लोग बहुत सारे आएंगे जीवन में। मैंने कहा तो फिर अब क्या करना चाहिए, उन्होंने बोला एक बहुत अच्छा काम करना चाहिए कि आपको इग्नोर करना चाहिए। अगर आप बिलीव करते हो जो आप बोल रहे हो तो आप उसके ऊपर रहो, और अगर आप रैशनली उसको जस्टिफाई कर सकते हो कि ये आपने क्यों बोला था, तो आप अपनी बात पर टिके रहो, तो आपको किसी को कोई जवाब देने की ज़रूरत नहीं। तो दोस्तों मैंने वही रास्ता अपनाया और मेरे को मेंटली बहुत ज़्यादा पीस मिला।
पर जो मुद्दा आज दोस्तों हम ये डिस्कस कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जैसे सोशल मीडिया में हम देखते हैं कि एक टूल आ गया है लोगों के पास एक्सप्रेशन अपना देने का, वो बहुत अच्छी बात है, आप एक्सप्रेस करो अपने आप को, बट कहीं ना कहीं इन्होंने ना डिवाइड भी क्रिएट कर दिया है, क्योंकि सोशल मीडिया हर एक के हाथ में था नहीं, आधे लोगों को चलाना नहीं आता था, बहुत सारे डिजिटल मैनेजर्स को इस चक्कर में नौकरी मिल गई, चार गिमिक्स करने आते थे, लॉग इन करना आता था, जो नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आता था। अब लास्ट एक डेढ़ साल से जब से जियो ने हर एक के हाथ में फ़ोन पकड़ा दिया है और कोरोना की वजह से सब लोग ने डिजिटल की जो स्ट्रेंथ है वो सीख ली है, तो क्या हुआ है, सबको सोशल मीडिया समझ में आ गया। तो जैसी कोई चीज़ आती है तो आधे लोग बोलेंगे कि जी हाँ और आधे बोलेंगे जी ना, तो वो डिवाइड वैसे ही क्रिएट हो जाता है। तो उसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि आप एक्सप्रेशन दे रहे हैं, ठीक है, बट मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें पीस मेंटेन करने के लिए एक राइटफुल क्लोजर की हमेशा ज़रूरत होती है, ताकि हम एक पेज पे आ पाएँ। इतनी बड़ी जो कंट्री है वो तभी चल पाती है जब सारे अपने या तो बहुत मैच्योर हों या फिर उनको कोई एक पेज पे लेके आ पाए। एक पेज पे लाने का मतलब है कि हम एक ही डायरेक्शन में एक ही सोच रखें, तो वो कैसे होगा? वो मेरे ख्याल से किसी एक टूल से हो सकता है, किसी एक इंस्टीट्यूशन से हो सकता है, किसी एक प्रोसेस से हो सकता है, बट वो क्या होगा मुझे नहीं पता है। वो मैं आप चाहता हूँ कि आप मुझे बताओ कि आपकी क्या फीलिंग है। बट अभी जिस तरीके से हो रही हैं बातें कि आधे लोग बोलेंगे कि अच्छा था, आधे बोले थे बुरा था, और दोनों आपस में एक दूसरे का जो एक्सप्रेस करने का तरीका है वो सिर्फ गाली गलौज है, ये तो कोई सभ्य समाज की निशानी नहीं है। तो आई थिंक सोशल मीडिया में जो आज की डेट में लैप्स है वो ये है कि वो किसी भी राइटफुल कंक्लूजन की तरफ हमें इंडिकेट नहीं करता है, और ये क्योंकि नहीं हो पाता तो वर्ल्ड हमेशा जो है पहले से ज़्यादा आज की डेट में डिवाइडेड है, और वो डिवाइडेड ही रह पा रहा है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या करना चाहिए ताकि लोग एक पेज पे आ पाएँ, एक ही कॉन्वर्सेशन कर पाएँ, अच्छा बुरा या जो भी था वो कर पाएँ? मैं ये भी मानता हूँ कि सबके अपने अपने धारणाएँ होती हैं, ज़रूरी नहीं कि सब एक दूसरे को बात माने, बट किसी तरीके से वी कैन अग्री टू डिसअग्री। मतलब मैं रिस्पेक्टफुली ये बोलूँ कि भाई मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आंदोलन चला दूँगा और मैं गाली गलौज पे आ जाऊँगा। ये जो सभ्य समाज की जो निशानी होती है वो यही होती है, बट जो लोग इसकी जो पालन बोल लो या जो उसको लोग फॉलो नहीं करते हैं, व्हाट डू वी डू अबाउट देम? सो व्हाट आर योर सजेशंस? डू कमेंट बिलो, एंड इफ़ यू वांट टू इंटरेक्ट डायरेक्टली विद मी यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई सोशल मीडिया और राइट टू मी ऑन माई ईमेल एड्रेस। ऑल दीज इन्फॉर्मेशन आर अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो आपको आज की दिल की चर्चा, मन की चर्चा कैसी लगी आप कॉमेंट करो। चलो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट रिव्यू के ऊपर, मूवी के बारे में, सॉन्ग्स के बारे में, वेब सीरीज़ के बारे में। आपका जो ओपिनियन है वो इम्पॉर्टेंट होगा, तो मैं आपके ओपिनियन की वेट करूँ। सी यू, बाय।